नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दो पहिया फिसलने से बुजुर्ग की मौत, विवाहिता को किया प्रताड़ित, ट्रैवल्स टिकट में 3 गुना वृद्धि। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। गुड़गांव थाना की हद में दोपहिया फिसलने से हुई दुर्घटना में 82 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। चित्राटा के समीप पुलगांव निवासी मारुति दत्तलवार के तौर पर मृतक की शिनाख्त की गई। मृतक मारुति दत्तलवार 24 अक्टूबर को अपनी दोपहिया से खेत से घर जा रहे थे। इस दौरान दोपहिया अनियंत्रित होने से पेट्रोल पंप कौड़ा झोपड़ी परिसर में वे गिर पड़े, जिसमें उनके सिर पर गंभीर जख्म हुए। उपचार के लिए सावंगी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उपचार जारी करते 26 अक्टूबर को उनकी मौत हो गई। प्रकरण में घनश्याम मारुति दत्तलवार की शिकायत पर पुलगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दूसरी खबर, शराब के नशे में धुत होकर विवाहिता की शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ना करने का मामला समुद्रपुर थाने के अंतर्गत पीपलगांव लोकंडी में सामने आया है। प्रकरण में मयूरी प्रमोद कुटे की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रमोद सुरेश कुटे, सुरेश हरबाजी कुटे व सास आशा सुरेश कुटे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़ित विवाहिता पति सास व ससुर के साथ पिंपल गांव में रहती थी, परंतु ससुर को शराब की लत होने से हमेशा वे पीड़िता को गाली गलौज करते थे। गत 2 माह से किसी न किसी कारण पति सास ससुर पीड़िता को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे, जिससे तंग आकर विवाहिता ने शिकायत दर्ज की। प्रकरण में पति सहित सास व ससुर के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तीसरी खबर, पुणे तथा मुंबई में बड़ी संख्या में शहर के अनेक परिवारों के सदस्य नौकरी के लिए बाहर रहते हैं। दीपावली को कुछ ही दिनों का समय शेष रहने से परिजन दिवाली मनाने अपने गृह नगर आ रहे हैं। परिणाम वश वर्धा से पुणे यात्री ही नहीं मिलने के कारण अधिकांश ट्रेवल्स बसें खाली जा रही है। परिणाम वश पुणे तथा मुंबई से आने वाले यात्रियों को इन दिनों 3 गुना किराया चुकाना पड़ रहा है। पिछले वर्ष कोरोना ने दस्तक देने के बाद ट्रैवल्स का व्यवसाय पुनः ठप हो गया था, जो अभी भी पूरी तरह से पटरी पर नहीं आया है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद। ये है MNS News Network और आप देख रहे हैं MNS News।